मोदी सरकार न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की जगह अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लेकर आई है। यूनिफाइड पेंशन योजना यानी यूपीएस का ऐलान होने के बाद लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि अगर वे अभी रिटायर होते हैं तो उन्हें यूपीएस के तहत कितनी पेंशन मिले। अगर किसी की सैलरी 60,000, 70,000 और 80,000 रुपए है तो उन्हें कितनी पेंशन मिले। तो आइए कुछ बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन करके आपको कितना पेंशन मिलेगा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो मनी टॉक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले कितने मिलेगी रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। यूनिफाइड पेंशन योजना तभी मिलेगी जब किसी कर्मचारी ने 25 साल तक नौकरी पूरी की है। पेंशन की रकम 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% दिया जाएगा। वहीं फैमिली पेंशन कर्मचारी की पेंशन का 60% दिया जाएगा। वहीं अगर कर्मचारी ने 10 साल या उससे ज्यादा भी नौकरी की है तो उसे मिनिमम पेंशन के तौर पर 10,000 रुपए हर महीना दिया जाएगा। अब आइए गुना भाग पर यानी गणित पर। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अगर आपकी 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी 60,000 रुपए है तो रिटायरमेंट के बाद यूपीएस के तहत 30,000 रुपए DR जोड़कर पेंशन दिया जाएगा। वहीं कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली को 18,000 रुपए DR जोड़कर दिया जाएगा। इसी बात को उदाहरण से कैलकुलेशन से आसान भाषा में समझिए। 60,000 सैलरी पर पेंशन जो है 60,000 रुपए का 50% प्लस DR, यानी 60,000 का जो 50% है वो 30,000 रुपए बैठता है, तो 30,000 रुपए प्लस DR आपको मिले। वहीं 30,000 पेंशन पर फैमिली पेंशन कितना होगा ये भी बता देते हैं आपको। 30,000 रुपए का 60% प्लस DR कितना होता है तो 18,000 रुपए प्लस DR होता है, तो इतना आपको पेंशन मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी 70,000 रुपए है और उसने कम से कम 25 साल तक नौकरी की है तो रिटायरमेंट के बाद यूपीएस के तहत पेंशन कुछ ऐसा मिलेगा, यानी कि हम कैलकुलेशन करके आपको बता रहे हैं। 70,000 सैलरी पर पेंशन जो है 70,000 रुपए का 50% प्लस DR, यानी 70,000 का 50% क्या हुआ 35,000 रुपए प्लस DR। वही 35,000 रुपए पेंशन पर फैमिली पेंशन कितना मिलेगा तो 35,000 रुपए का 60% कितना हुआ 21,000 रुपए, 21,000 रुपए प्लस DR उसको फैमिली पेंशन मिलेगा। अब अगर मान लीजिए किसी की 80,000 रुपए सैलरी है तब क्या होगा। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की 12 मंथ की एवरेज बेसिक सैलरी 80,000 रुपए है और उसने कम से कम 25 साल तक नौकरी बजा ली है तो यूपीएस के तहत उसको कितना पेंशन मिलेगा, गुना भाग से समझिए। 80,000 सैलरी पर पेंशन 80,000 रुपए का 50% प्लस DR, यानी 80,000 का 50% कितना हुआ 40,000 रुपए प्लस DR। और वही 40,000 पेंशन पर अगर फैमिली पेंशन अगर पता लगाना हो तो कितना होगा 40,000 रुपए का 60% प्लस DR, यानी 40,000 का 60% कितना हुआ 24,000 रुपए प्लस DR, इतना उसको फैमिली पेंशन मिलेगा। बता दें इस पेंशन योजना के तहत सरकार 18.4% का कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी, जबकि कर्मचारियों को बेसिक सैलरी प्लस DA मिलाकर 10% का योगदान देना होगा। इस कंट्रीब्यूशन के आधार पर यूपीएस के तहत पेंशन मिल जाएगी। पहले वाला जो मामला था वो पहले आप 10 देते थे और सरकार 14 देती थी, उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी 4.4% की, यानी 14% प्लस 4.4% कितना हुआ 18.4%। विदेश यात्रा से तुरंत लौटने के बाद मोदी सरकार ने 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन योजना की घोषणा की, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू है, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 से ये लागू हुआ। ये योजना जो है सरकारी कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन पर पेंशन का लाभ है। इस योजना के तहत निश्चित पेंशन भी, साथ ही कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली पेंशन भी दिया जाएगा। जिन लोगों ने 10 साल या उससे ज्यादा या 25 साल से कम तक सर्विस की उन्हें मिनिमम पेंशन के तौर पर 10,000 रुपए मंथली दिया जाएगा। अब हमने आपको न्यू पेंशन स्कीम NPS की जगह जो UPS आया है उसके बारे में तमाम जानकारियां दे दी, बेसिक कैलकुलेशन करके बता दिया। आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया बिजनेस से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।